नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी। आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि फीवर जो है ये कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर भी बारिश का मौसम चल रहा है, कई सारी संक्रमण हमें घेर सकती है, तो इस विषय में हम डॉक्टर साहिब से कुछ जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा है रिया जी कि आजकल जो मौसम की बात है आपने की, इस मौसम का ऐसा थप्पड़ लगा है कि मत पूछिए कि हर घर में कम से कम एक बुखार का मरीज तो आपको मिल ही जाएगा। घर घर में बुखार है। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग हर घर में तिरंगा कह रहे थे, अब देखिए तो अब स्लोगन हो सकता है कि हर घर में बुखार। ये बुखार जो है होता क्या है कि बुखार शरीर का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ये आप समझ लें। हर बुखार को इलाज की ज़रूरत नहीं है, खास करके एंटीबायोटिक। ये आपके माध्यम से हम ये संप्रेषित करना चाहते हैं, ये संवाद देना चाहते हैं जनता को कि कई बार ऐसा होता है कि जरा सा बुखार हुआ, 100 डिग्री टेम्परेचर हुआ, 99 के ऊपर गया, इवन 101 भी गया, पहले दिन से ही लोग केमिस्ट शॉप में जा कर के एक एंटीबायोटिक लिया, एक पैरासीटामोल लिया और अपना निकल गए। ये घातक ट्रेंड है, क्योंकि आजकल जो चल रहा है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इतना कॉमन हो गया है कि छोटी छोटी मतलब अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक का, बिल्कुल सिंपल एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि एक ज़माने में टाइफाइड के बुखार में हम लोग जो मतलब उदाहरण दे रहे हैं, क्लोरीनफेनिकॉल देते थे, बहुत ही सस्ती गोली। अब क्लोरीनफेनिकॉल से 95% रेसिस्टेंस हो गया, अब काम ही नहीं करता। अब तो अच्छी अच्छी गोलियाँ भी जो आई, महंगी गोलियाँ आई, उसका भी रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है कि एंटीबायोटिक्स का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, एंटीबायोटिक्स का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पब्लिक के लिए, मतलब जहाँ मौका नहीं मिला, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आपने एंटीबायोटिक निकल लिया। इसको कर्ब करना होगा, इसको नियंत्रित करना होगा। कोई भी बुखार, कोई भी टॉक्सिन आपके शरीर के अंदर जाता है, शरीर उसका डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है कि बुखार के रूप में परिवर्तित होता है। आप सिर्फ एक पैरासीटामोल लीजिए, रेस्ट लीजिए, खूब पानी पीजिए, रेस्ट लीजिए, वो खुद ब खुद बुखार चला जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन के बाद बुखार कंटिन्यू करता है, परसिस्ट करता है, बुखार धीरे धीरे बढ़ रहा है, साथ में सिम्टम्स दे रहा है, जैसे हेडेक हो रहा है, चाहे पेशाब में दिक्कत हो रही है, चाहे बॉवल डिस्टर्बेंस हो गया, लूज मोशन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप एक चिकित्सक की सलाह से एक एंटीबायोटिक आप चाहे और जो भी जो चीज़ें हैं वो आप ले सकती हैं। लेकिन नॉर्मल जनता का जो बुखार है, जो सीजनल जिसको बुखार कहते हैं, वो वायरल भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द बुखार जो अभी हो रहा है वो वायरल बुखार है। अब वायरल बुखार में एंटीबायोटिक की कोई उपादेयता नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, ये खुद ब खुद आपको चला जाएगा। एक इंसान जो बुखार से पीड़ित है वो कैसे समझे कि ये नॉर्मल बुखार है, सीजनल जैसे, या फिर कोई संक्रमण के कारण वो बुखार की चपेट में आए? अब जैसे देखिए, नॉर्मल जैसे बुखार आया, हल्की सर्दी खांसी है, बुखार है, तो ज़्यादा संभावना यही है कि ये वायरल फीवर है। लेकिन अगर आपको, जैसे हमने कहा कि अगर बॉवल डिस्टर्बेंस है, पेट में गड़बड़ी है, लूज मोशन हो रहा है, पेट में क्रैम्प हो रहा है, तो ये टाइफाइड का संकेत हो सकता है। अगर आपको रैसेस हो गए पूरे शरीर में, लाल लाल दाने हो गए, चकता हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि डेंगू की शुरुआत हो, या बहुत ज़्यादा सिहरन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस तरह की बात हो रही है, तो मलेरिया का हो सकता है, तो टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। लिस्ट फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मोटा मोटी एक नॉर्मल बुखार, जो सर्दी खांसी बुखार, आप मेरा बार बार इस बात की गुजारिश है कि 3 दिनों तक उसे आप वॉच करें, सिर्फ पैरासीटामोल दे के, पानी पी के, रेस्ट ले करके, और इस बीच में अगर रैशेस आ रहा है, चाहे कोई स्पेसिफिक सिम्टम आ रहा है, तो चिकित्सक से मिलने में कोई गुरेज न करें, कोई परहेज न करें। अगर देखा जाए कि बचाव, क्योंकि घर पे भी देखा जाता है कि बहुत सारी गंदगी है, उसी बीच में मरीज सोया हुआ है, तो इसमें बचाव के क्या तरीके हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो बचाव तो ऐसा है रिया जी कि अब जैसे डेंगू है तो मच्छर से बचना है, डेंगू का मच्छर जनरली दिन में ही काटता है, मलेरिया का मच्छर वो रात में काटता है, फाइलेरिया है वो क्यूलेक्स है, मलेरिया का एनोफिलिज है, इसका डेंगू वायरस है, तो ये सारे वायरसेस जो कालाजार है,
तो ये जितने वायरसेस हैं ये अधिकतर उसका कैरियर वेक्टर जो होता है वो मच्छर होता है, तो मच्छरों से बचाव है। अपने घर में जितना भी अननेसेसरी वाटर का जो एक्युमुलेशन है, चाहे गमला में हो चाहे किसी पॉट में हो, उसको न करें। मच्छरदानी लगा के सोएं। फिर उसके बाद ये अब जैसे हाल में आपने देखा पेंडेमिक के ज़माने में जो क्रांति आ गई, प्री पेंडेमिक पोस्ट पेंडेमिक, तो पेंडेमिक जो कोविड का हुआ, कोविड एक वायरस है उसमें भी बुखार आता है, तो उस बुखार में भी सिर्फ पैरासीटामोल देना है शुरू के दिनों में और बाकी अपना वॉच करते रहना। तो ये सारी चीज़ें रिया जी गोल मतलब लब्बो लबाब यही है कि बुखार परेशान से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बुखार कोई अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बुखार प्रकृति के द्वारा वो आपके शरीर के द्वारा शरीर को बचाने का एक उपाधेय है, एक माध्यम है, उसको समझें, उसको शरीर का एक एक बचाव का इम्यूनिटी का एक अंग समझें। जिसको इम्यूनिटी नहीं होता उसको बुखार नहीं होता, ये इम्यूनिटी का भी मैनिफेस्टेशन है कि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो शरीर उसको वार्ड ऑफ करना चाह रहा है वायरस को बैक्टीरिया को, तभी बुखार आ रहा है। तो ये आपका कंपेनियन हो सकता है, आपका दुश्मन नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ इतनी सारी जानकारी फीवर के बारे में साझा की है। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।